हे गाइस, टुटू डी यूट्यूब चैनल सभी को बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी इनेबल कर दीजिए। इससे ये होगा कि जो भी लेटेस्ट वीडियो में डालूंगा सबसे पहले आपको मिल पाएगी और आप इन वीडियो का मजा ले पाएंगे। तो गाइस, मैं आपसे कहना चाहूंगा हैप्पी होली इन एडवांस, क्योंकि होली वाले दिन मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगा और ये वीडियो मैं अराउंड संडे को अपलोड कर दूंगा। ठीक है गाइस, तो संडे की सुबह आपको 9 बजे ये वीडियो मिल जाएगी हमारे पिचकारी कलेक्शन की, जो कि है होली स्पेशल। होली का त्यौहार है गाइस, तो प्लीज़ सेफली होली खेलिएगा और अपने फेस को खासकर बचा के आप रंग वगैरह लगाइएगा, आप किधर भी लगाइए लेकिन फेस को एकदम सेफ रखिएगा। तो गाइस, चले चलते अपने वीडियो की तरफ और मैं आपके लिए आया हूँ बहुत ही सस्ता और चीप पिचकारी कलेक्शन। तो गाइस, चले स्टार्ट करते हैं इनकी अनबॉक्सिंग और फिर करेंगे टेस्टिंग वन बाय वन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी छोटी वाली पिचकारी से, जो कि है ये वाली। तो गाइस, ये है हमारी रेड पिचकारी। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है गाइस वो है 50 रुपीज़, और ये मैंने परचेस किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो चलिए इसे करते हैं ओप, निकालते हैं पैकेट से। ये प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है, बहुत ही चीप प्राइस में आपको मिल जाएगा और ये आपको सिर्फ ऑफलाइन ही मिलेगा, ऑनलाइन नहीं मिलेगा। और ये है इसका वाटर टैंक, जिसे मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। तो गाइस, ये है इसका टैंक और इसके अंदर देखिए खाली है अभी, इसके अंदर आप पानी डाल के इसको आप इसको लगा सकते हैं ऐसे, इस तरह से आप लगा दीजिए और फिर उसके बाद इससे आप खेलिए। ठीक है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो करके। अब आ रही हमारी दूसरे पिचकारी की, जो कि है ड्रैगन पिचकारी। तो गाइस, ये है हमारी एवेंजर ड्रैगन पिचकारी। तो गाइस, अब बात करते हैं अपनी बड़ी पिचकारी की, जो कि है बेन 10। तो गाइस, ये बेन 10 नहीं है, वह 110 लिखा हुआ है यहाँ पे। कीमत की बात करते हैं, इसकी जो कीमत है गाइस वो है 300 रुपीज़। ये मैंने परचेस किया ऑफलाइन मार्केट से, आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग, जैसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी पिचकारी को। तो गाइस, ये निकाला हमने टैंक और ये है हमारी गन, जो कि इससे कनेक्टेड होगी। तो गाइस, ये है हमारी ब्लू गन और काफ़ी अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी। और ये है इसकी पाइप ब्लू कलर की और ये है हमारा 110। बेन 10 था गाइस, उसी का कॉपी बना दिया है 110। और यहाँ पे आपको देखिए, ये दूसरा सुपर हीरो है कोई, ये हल्क है, थॉर है, ये कोई और सुपर हीरो है और ये है शिवा। तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आते हैं सारे सुपर हीरोज। और ये है वाटर टैंक आपका, इसको आपको हैंग करना है, बच्चों को हैंग करना होता है तो इसको इस तरह से खोल दीजिए आप और आप इसको हैंग कर सकते हैं और फिर इसको, और यहाँ से आप डालेंगे इसमें वाटर, यहाँ से वाटर डाल लीजिए और इसको हैंग कर लीजिए। तो पहले इसको हम कनेक्ट कर देते हैं अपनी गन से। तो कनेक्ट करने के लिए हमें ये जो पाइप है इसको हमें यहाँ लगाना है, तो इसे आप पूरा यहाँ तक लगा दीजिए, मैंने थोड़ा सा लगाया है। ठीक है, और ये देखिए, ये हो गया कनेक्टेड। अब इसको बच्चे को हैंग करा दीजिए और उसके बाद फिर, और ये दोनों तरफ से घूम जाता है, किधर भी आप कर लीजिए। और काफ़ी अच्छा है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है इसकी और काफ़ी प्रेशर में इसकी जो वाटर है काफ़ी तेज़ निकलता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसका डेमो करके।
अब आ रही है हमारे छोटा भीम की पिचकारी की, जो कि है गाइस ये वाला। तो ये है हमारा छोटा भीम की पिचकारी। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है गाइस वो है 350 रुपीज़, और ये मैंने परचेस किया ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है, अगर ये आपको मिल जाए तो। जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। जैसे करेंगे हम ओपन यहाँ से और निकालेंगे अपनी पिचकारी को। तो गाइस निकालेंगे अपना टैंक, जो कि हमारा टैंक छोटा भीम वाला, और इसमें से निकालेंगे अपनी हम पिचकारी गन। तो गाइस ये है गन, और काफ़ी शानदार है, येलो कलर का है, बहुत प्यारा है। पिंक इसकी ये पाइप दी है जिससे कि ये वाटर टैंक से कनेक्ट होगा। देखिए कितना प्रेशर वाली है, प्रेशर मारिए और आप देखिए मज़ा। तो चलिए इस टैंक को पहले इसमें पाइप से अटैच कर देते हैं। और गाइस ये है हमारा छोटा भीम, काफ़ी शानदार लग रहा है, और ये 3D इफेक्ट मारता है, ठीक है ना। आप ये देखिए, और ये है येलो कलर का। ये आप इसे बच्चों का हैंग कर सकते हैं। इसको मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल बैग की तरह ये दिखता है। और ये है इसका वाटर टैंक, ठीक है, लगता है बिल्कुल बैग है। बैग की तरह आप टांग दीजिए और यहाँ से आप पानी डाल सकते हैं इसके अंदर, और इसको बंद कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर देखिएगा इस प्रेशर बनाइए और फिर इसकी स्पीड देखिए। तो डेमो में आपको दिखाऊंगा कि कैसे कितनी तेज इसकी स्पीड है और कितना शानदार ये लगता है। तो चलिए आप देख लेते हैं डेमो को। हमारे डोरेमोन की पिचकारी की, जो कि है गाइस ये वाला। तो ये है हमारे डोरेमोन की पिचकारी। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है गाइस वो है 400 रुपीज़, और ये मैंने परचेस किया ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अगर ये आपको ऑनलाइन मिल जाए तो, ठीक है। तो इस टाइप का ये पिचकारी है, पूरा बैग वाला, बैग की तरह दिखता है, लेकिन है ये टैंक इसका, और काफ़ी बड़ा टैंक है, तो काफ़ी देर तक आप इससे खेल सकते हैं, ठीक है। और ये है इसका गन। तो चलिए इसको करते हैं ओपन और फिर निकालते हैं अपनी पिचकारी को। तो गाइज ये है हमारी पिचकारी, और ये है प्रेशर वाली पिचकारी, और ये है इसकी पाइप, जो कि हमें इसमें यहाँ पे लगाना है। तो इसमें लगा देता हूँ मैं। ये इस टाइप से है, आप इसको पीछे बच्चे को टांग सकते हैं ताकि बच्चा इसको टांग ले, और फिर ये देखिए, तो इस टाइप से बच्चे को आप टांग दीजिए और उसके बाद इसमें पानी भर दीजिए पूरा। और ये है हमारा डोरेमोन। तो ये है हमारे डोरेमोन की पिचकारी, प्लस आपको यहाँ पे पोकेमोन का भी स्टिकर मिलता है जिसमें ऐश है, पिकाचू है, तो काफ़ी अच्छा। तो ये है हमारा वाटर टैंक और ये है हमारी पिचकारी। वाओ, तो गाइस पिचकारी सिर्फ प्रेशर वाली है। देखिए यहाँ से ऐसे करिए, बड़ी तेज इसकी प्रेशर जाती है, बहुत फास्ट प्रेशर है इसका, ये देखिए। तो छोटा बच्चा उठा सकता है, अराउंड 5 to 6 ईयर्स का भी अगर बच्चा है तो वो भी इससे खेल सकता है अच्छे से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ डेमो करके। तो डेमो बसता है हमारा फिश वाली पिचकारी, जो कि है ये वाली। तो गाइस ये है हमारी फिश वाली पिचकारी। कीमत की बात करें तो इसकी जो कीमत है गाइस वो है 50 रुपीज़, और ये मैंने परचेस किया ऑफलाइन मार्केट से। आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं अगर आपको ये मिल जाए। और इसकी पन्नी हमने निकाल दी है गाइस, तो इस टाइप की पिचकारी है, और ये काफी सुंदर लग रही है। ये देखिए यहां से
इसका यहाँ से इसको ओपन करेंगे और यहाँ से पानी डाल सकते हैं इसके अंदर और सारी पानी इसके अंदर भर जाएगी और फिर आप इसको यहाँ से चलाइए और फिर ये आगे की तरफ यहाँ से इसके निकलेगा पानी, ठीक है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा स्टीकर लगाया गया है, पूरा पूरी मछली की तरह दिख रहा है ये। तो ये है फिश वाली पिचकारी, तो काफ़ी ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है इस टाइप की पिचकारी।